दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD News चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। दुनिया भर में आज भी कई ऐसी जगह हैं जिनका रहस्य अब तक अनसुलझा है। इन्हीं में से एक है श्रीलंका में मौजूद पहाड़ एडम्स पीक। इसे श्रीपदा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पहाड़ पर भगवान शिव के पैरों के निशान हैं। वहीं इस पहाड़ का इतिहास रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। हालांकि बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म में भी इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रतनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पहाड़ घने जंगलों के बीच मौजूद है। ये कीमती पत्थरों का एक बड़ा ठिकाना है। यह पहाड़ लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समलाना माउंटेन रेंज का हिस्सा है। श्रीलंका में लोग इसे रहुमा शाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पर एक मंदिर भी मौजूद है। कहा जाता है कि राम रावण के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण मेघनाथ के तीर से घायल हो गए थे। उनके प्राण सिर्फ संजीवनी बूटी से ही बचाए जा सकते थे। इसे लाने का काम राम भक्त हनुमान को दिया गया। हनुमान हिमालय की कंदराओं से संजीवनी बूटी खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने पहाड़ के एक टुकड़े को ही ले जाने का फैसला लिया। मान्यताओं के अनुसार यह पहाड़ वही पत्थर का टुकड़ा है। इस पहाड़ पर बना मंदिर भी वहाँ मौजूद पैरों के निशान के लिए मशहूर है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ये पैरों के निशान भगवान शिव के हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव मानव जाति को अपना दिव्य प्रकाश देने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इसे शिवानोली पदम यानी कि शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। दुनिया के चार सबसे बड़े संप्रदाय आज भी श्रीपद को लेकर अपनी अपनी मान्यताओं में उलझे हुए हैं। बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म इसे भगवान बुद्ध, भगवान शिव, एडम और सेंट थॉमस से जोड़कर देखते हैं। यहाँ से एशिया का सबसे अच्छा सूर्योदय देखा जा सकता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।